तो फ्रेंड, हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था कि जो है भारत के महत्वपूर्ण स्रोत जो है किस देश के संविधान से लिया गया है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, आप वहाँ से देख सकते हैं। तो आज हम स्टार्ट करेंगे भारत के संविधान के जो है महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन। तो चलिए क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को भी दबा दें, ताकि जो भी हम जो है अपडेट लेकर आएँ आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर वन है कि 1922 ईस्वी में निम्नलिखित में से किसके द्वारा यह उद्गार व्यक्त किया गया कि भारतीय संविधान भारतीयों के इच्छा अनुसार होगा। तो यहाँ राइट आंसर होगा महात्मा गांधी। महात्मा गांधी के ने उद्गार व्यक्त किया था कि भारतीय संविधान जो है भारतीयों के इच्छा अनुसार होगा। नेक्स्ट है कि 1924 ईस्वी में किसके द्वारा ब्रिटिश सरकार से यह मांग की गई कि भारतीय संविधान के निर्माण के लिए संविधान सभा का गठन किया जाए। तो यहाँ राइट आंसर होगा सी, यानी मोतीलाल नेहरू। मोतीलाल नेहरू ने जो है 1924 में ब्रिटिश सरकार से मांग की थी कि भारतीय संविधान के निर्माण के लिए संविधान सभा का गठन किया जाए। और स्वराज पार्टी की स्थापना किसने की थी? मोतीलाल नेहरू ने ही की थी। नेक्स्ट है कि संविधान सभा के विचार का औपचारिक रूप से प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया? और राइट आंसर है सी, यानी एमएन राय के द्वारा जो है किया गया। नेक्स्ट है कि संविधान सभा को किसने मूर्त रूप जो है प्रदान किया था? तो संविधान का मूर्त रूप जो है जवाहरलाल नेहरू ने प्रदान किया था। कांग्रेस के किस वर्ष किसी प्रकार के बाहचेप के बिना भारतीय जनता द्वारा संविधान के निर्माण की मांग को लेकर प्रस्ताव पारित किया गया था? तो ये 1936 ईस्वी में जो है प्रस्ताव पारित किया गया कि जो है बिना हस्तक्षेप के भारतीय जनता द्वारा संविधान के निर्माण की मांग किया गया। और ये जो है फैजपुर के 1936 अधिवेशन में किया गया, और इसकी अध्यक्षता जो है किसने की थी? जवाहरलाल नेहरू ने की थी। कि 1938 ईस्वी में किस व्यक्ति ने वयस्क मताधिकार के आधार पर संविधान सभा के गठन की मांग की? तो राइट आंसर बी, यानी जवाहरलाल नेहरू ने 1938 ईस्वी में वयस्क मताधिकार के आधार पर संविधान सभा के गठन की मांग की। नेक्स्ट है कि वर्ष 1942 ईस्वी में किस योजना के तहत यह स्वीकार किया गया कि भारत में एक निर्वाचित संविधान सभा का गठन होगा जो युद्ध उपरांत संविधान का निर्माण करेगी? तो वर्ष 1942 ईस्वी में किस योजना जो है बनाया गया था? क्रिप्स मिशन योजना जो है लागू हुआ, जिसके तहत जो है भारत में एक निर्वाचित संविधान का गठन होगा या स्वीकार किया गया। तो राइट आंसर होगा ए। नेक्स्ट है कि संविधान सभा के गठन की मांग सर्वप्रथम 1895 में ही की गई थी, किसके द्वारा प्रस्तुत की गई थी? तो यहाँ डॉक्टर कह रहे हैं बाल गंगाधर तिलक के द्वारा जो है सर्वप्रथम 1895 ईस्वी में संविधान सभा के गठन की मांग की गई थी। नेक्स्ट है कि भारत की संविधान सभा गठित करने का आधार क्या था? तो भारत के संविधान सभा का गठन किसके आधार पर किया गया था? कैबिनेट मिशन 1940 के तहत जो है संविधान सभा का गठन किया गया था। नेक्स्ट है कि भारत की संविधान सभा किसके अनुसार गठित की गई थी? तो अभी बताया आपको कि कैबिनेट मिशन योजना के तहत जो है गठित किया गया था, और यह योजना 1946 में गठित किया गया था।
सन 1936 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा संविधान सभा के गठन की मांग कहां पर हुए अधिवेशन में रखी गई? तो सन 1936 ईस्वी में बिना किसी के हस्तक्षेप के किस अधिवेशन में? फैजपुर अधिवेशन 1936 के फैजपुर अधिवेशन में किया गया, जिसकी अध्यक्षता किसने की थी? जवाहरलाल नेहरू ने की थी। नेक्स्ट है कि कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार संविधान सभा में कुल कितने सदस्य होने थे? तो कैबिनेट मिशन के अनुसार जो है संविधान सभा में कुल जो है 389 जो है सदस्य होने थे। क्वेश्चन नंबर 13 है कि प्रस्तावित मूल संविधान में कुल सदस्यों का विभाजन किस प्रकार होना निश्चित हुआ था? तो ब्रिटिश प्रांतों के 292 प्रतिनिधि एवं देशी रियासतों के 93 प्रतिनिधि एवं मुख्य कमिश्नरी क्षेत्र के 4 प्रतिनिधि, यानी टोटल जो है हो गया हमारा 389 प्रतिनिधि होना था। तो इनमें से राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। नेक्स्ट है कि संविधान सभा में विभिन्न प्रांतों के लिए 292 सदस्यों का निर्वाचित होना था, तो इनमें से कांग्रेस के कितने निर्वाचित होकर आए? तो कांग्रेस के लिए जो है 208 एवं मुस्लिम लीग के लिए कितना? 73 जो है, और 15 अन्य दलों के जो है निर्वाचित हुए। तो हमारा राइट आंसर कितना हो जाएगा? 208। नेक्स्ट है कि पुनर्गठन के फलस्वरूप वर्ष 1947 में संविधान सभा के सदस्यों की संख्या कितनी रह गई? तो जब भारत का बंटवारा हुआ तो उसके बाद जो है संविधान सभा का पुनर्गठन हुआ, और यह पुनर्गठन कब हुआ? 31 अक्टूबर 1947 को हुआ, जिसमें जो है सदस्यों की कुल संख्या कितनी थी? 299 थी। तो हमारा राइट आंसर कितना हो गया? 299। अब नेक्स्ट देखते हैं, संविधान सभा पुनर्गठित में देशी रियासतों की संख्या कितने लिए कितने प्रतिनिधि थे? यानी जब बंटवारा हुआ तब जो है कुल सदस्यों की संख्या कितनी थी? 299 थी, जिसमें जो है प्रांतीय सदस्यों की संख्या 229 एवं जो है देशी रियासतों की संख्या 70 थी। तो यहाँ जो है देशी रियासतों की संख्या पूछ रहा है, तो यहाँ राइट आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट है कि पुनर्गठित संविधान सभा में विभिन्न प्रांतों के लिए कितने प्रतिनिधि थे? तो विभिन्न प्रांतों के लिए जो है 229 प्रतिनिधि थे, और जो है देशी जो है रियासतों के सदस्यों की संख्या 70 थी, और टोटल कितने थे? टोटल जो थे 299 सदस्य थे। नेक्स्ट है कि कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत संविधान निर्मात्री परिषद में प्रत्येक प्रांत की आवंटित सदस्य संख्या निर्धारित करने के लिए एक प्रतिनिधि कितनी जनसंख्या के अनुपात में था? तो एक प्रतिनिधि जो था 1,000,000 जनसंख्या के अनुपात में था। क्वेश्चन नंबर 19 है कि संविधान सभा के सदस्यों को निम्न में से किसने प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित किया? तो प्रत्यक्ष रूप से जो है प्रांतों की विधानसभा जो है प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित किया गया। नेक्स्ट है कि संविधान सभा में किस प्रांत का प्रतिनिधित्व सबसे अधिक था? तो यह हमारा राइट आंसर हो जाएगा डी, यानी संयुक्त प्रांत के जो है प्रतिनिधित्व सबसे अधिक था। और सेशन को लाइक करते रहना है। अगर आपको इसको पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ जो है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं कि नेक्स्ट क्या है। संविधान सभा में किस देशी रियासत के प्रतिनिधि ने भाग नहीं लिया था? तो हैदराबाद के प्रतिनिधि जो है भाग नहीं लिया था। तो राइट आंसर हो गया सी। नेक्स्ट है कि भीमराव अम्बेडकर का संविधान सभा में निर्वाचित हुए, तो भीमराव अम्बेडकर जो है संविधान सभा में निर्वाचित हुए, और कहां से निर्वाचित हुए थे?
तो ये जो है पश्चिम बंगाल से निर्वाचित हुए थे, और तो हमारा राइट आंसर हो गया पश्चिम बंगाल। अब नेक्स्ट है कि मुस्लिम लीग ने किस कारण संविधान सभा का बहिष्कार किया था। तो मुस्लिम लीग ने संविधान सभा का बहिष्कार इसलिए किया था कि वो चाहते थे कि उसके लिए एक अलग संविधान हो। तो यहाँ राइट आंसर हो जाएगा सी, यानी मुस्लिम लीग मुस्लिमों के लिए एक अलग संविधान सभा चाहता था। नेक्स्ट है कि संविधान सभा का चुनाव निम्न से किस आधार पर हुआ। तो संविधान सभा का जो है चुनाव का आधार क्या था, वर्गीय मताधिकार। यह जो है वर्ग के अनुसार किया गया, सामान्य मुस्लिम और जो अलग अलग थे उनके अनुसार किया गया। तो राइट आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट है कि संविधान सभा के सदस्य प्रतिनिधि थे। तो संविधान सभा के सदस्य प्रतिनिधि जो थे जनता द्वारा अप्रत्यक्ष निर्वाचित थे, यानी राइट आंसर हो जाएगा बी। तो आज का सेशन जो है इतना ही पे समाप्त करते हैं। अगर आपको इस वीडियो का जो है पीडीएफ चाहिए तो इसको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा, और वीडियो को लाइक करते रहें ताकि जो है हमें मोटिवेशन मिलता रहे और हम आपके लिए जो है ऐसे ही वीडियो लाते रहें।